हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे डक इंजिस के बारे में कि डक इंजिस किस तरीके से फिटिंग होता है, कितना मेजरमेंट छूटता है और किस तरीके से उसका खांचा किया जाता है। तो कई लोग डक इंजिस को एल इंजिस भी बोलते हैं। और जो आप जो सामने देख रहे हो ये इंजिस, इसका साइज़ है 19 mm का दरवाजे के लिए है ये। और जो इसका लंबाई है वो 4 इंच है, 100 mm के अराउंड में। और बिल्ड क्वालिटी में इस तरीके से बना हुआ है। जो पीछे की साइड में, इसमें मेन खासियत यही है कि दरवाजे में लगने के बाद में ये बाहर वाली जो लेमिनेट रहती है उसको नहीं तोड़ने देता है। जो अलग से एक पट्टी लगी रहती है 12 mm की, उसमें ये खासियत अच्छी है। बाकी जो W और L वाले इंजिस आते हैं वो उसमें फॉर्मिका यानी 90 डिग्री से ज़्यादा खुलते ही बाहर का लेमिनेट टूट जाता है। उसके लिए फिर अलग से टेबल चैन लगाया जाता है। मेरा एक सॉफ्ट क्लोज के ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप देख लीजिए। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें कितना मेजरमेंट छूटता है और किस प्रकार से लगाया जाता है वो भी देख सकते हैं। अभी अपने इसको दरवाजे के ऊपर फिटिंग करके देखते हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप नहीं करिए। जिन दोस्तों का लगाया हुआ है तो कोई बात नहीं है, ये काफ़ी पुराने डिज़ाइन निकले हुए गए, यानी करीबन 3-4 साल हो गए हैं। लेकिन ये W जितना इतना नहीं चल पाया मार्केट में, कम ही चल पाया, लेकिन अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं। सो आप बने रहिए वीडियो के साथ, अभी मेजरमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो ये 19 mm का पल्ला है, तो इसमें खांचा कितना किया हुआ है, वो खांचा जो माप किया हुआ है वो 1 इंची 1 डोरे का है और ऐसे में जो है 4 इंच का है माप मेजरमेंट, और डीप में 1 इंची 1 डोरे का, जिसको आपको मैं स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट आपको दे दूंगा कि कितना mm में है। और जो ये खांचा रहता है इसको बिल्कुल काट देना है, पूरा निकाल देना है, पूरा भाग निकल जाएगा। मेजरमेंट से पूरा भाग निकालने के बाद में अपने इंजिस को अंदर रख के देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आगे पीछे है। क्योंकि जो आगे पीछे रहता है तो अपना पीछे का जो ग्रूव सेट करते हैं उसमें बहुत दिक्कत आती है। और ये फिटिंग करने में इस तरीके का रहता है, जो पीछे का जो 12 mm वाला जो प्लेट जैसा रहता है वो टक्कर के ऊपर ही फिट रहता है। टक्कर के ऊपर इसके लिए रहता है कि जब भी 90 डिग्री में खुलेगा तो वो 90 इधर फॉर्मिका को नहीं तोड़ने देगा और ज़्यादा नहीं खुलेगा दरवाज़ा, राइट एंगल में खुल जाएगा। अभी स्क्रू लगा के देखते हैं और फिर पल्ले को ऊपर टिंगा के देखते हैं किस तरीके से होता है। तो अच्छी तरीके से पूरे स्क्रू भर लेंगे। अभी आपको खाली समझाने के लिए 2-2 स्क्रू लगाएँ। वैसे देखा जाए तो इंजिस से काफ़ी अच्छा है यूज करने में और काम भी जल्दी हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं रहता है। और जो L और W वाले रहते हैं उसको धार में अलग से खांचा किया जाता है और आर पार नहीं किया जाता उसमें, यही इसमें और इसमें काफ़ी खासियत है। यदि जैसे अपने लेफ्ट और राइट में 2 शटर लगे हो आजू बाजू में, तो ये 5 mm में आराम से खुल जाता है, 5 mm में कोई तकलीफ नहीं रहता है। और जो W वाले इंजिस में रहता है उसमें करीबन डबल दरवाजे खोलने के लिए 7 से 8 mm के बीच में ग्रूव करना पड़ता है, तो ही खुल पाता है। जैसे कि अपना शटर तैयार हो गया है, शटर तैयार हो गया, धार के ऊपर लगा देंगे। धार पे उतना लगाएंगे जहाँ पे जो खांचा बन रहा है उसकी लेवल से ही उसको फिट करेंगे। और जो सामने की साइड में दिख रहा है यहाँ पर जो खांचा बना हुआ है L जैसा, उसके लेवल से करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिक पीछे की साइड में गैप रह जाएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी बात, इनमें ये खासियत रहती है कि ये फॉर्मिका लगाने से पहले ही खांचा करना पड़ता है। पहले फॉर्मिका लगा दिया तो फिर वो काम का नहीं रहता है। और जैसे ही अपना लग के तैयार हो गया इंजिस, अभी बंद करके देखते हैं कि बंद बराबर होता है कि नहीं होता है अच्छी तरीके से। तो अभी ये देखो, पीछे की साइड में भी आराम से लेमिनेट जितना गैप रह रहा है और इधर भी आराम से सेट हो गया इंजिस। ये जो बाहर की साइड में जो इतना है, ये अलग से ऊपर से सनमाई का चिपकाना पड़ता है, यही तकलीफ वाला थोड़ा रहता है इसमें, बाकी कोई इश्यू नहीं रहता है। इंजिस काफ़ी अच्छे हैं और 90 डिग्री में आराम से, 90 डिग्री से आगे नहीं जाने देता है, लेमिनेट भी नहीं तोड़ने देता है। सो थैंक यू गाइज। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करें। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही इंटीरियर और फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।